नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। पेंशनरों के खातों में मार्च में आएगी संशोधित पेंशन। नर्सरी से आठवीं कक्षा के स्कूल 17 फरवरी से खुलेंगे। जिम, सिनेमाघर और लंगर से हटाई रोक। 2.25 लाख पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई राहत देने का भी लिया निर्णय। पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ, 1500 से 25,000 रुपए तक का मासिक फायदा। न्यूनतम पेंशन अब 9,000, ग्रेच्युटी 20 लाख तक मिलेगी। प्रदेश के करीब 2.25 लाख पेंशनरों को जयराम मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित पेंशन की सौगात दे दी है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा। इसी तिथि से न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। 1 फरवरी 2022 से इसे लागू किया गया है। मार्च से पेंशनरों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आएगी। एरियर को कितनी किस्तों में दिया जाना है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पेंशनरों को 1500 से 25,000 रुपए तक का मासिक फायदा होगा। इन्हें 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई राहत यानी कि DR देने का भी निर्णय लिया गया है। यानी यह कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते DA के बराबर होगा। राज्य सचिवालय शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 लाख करने का भी निर्णय लिया गया है। यानी कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी ग्रेच्युटी ज्यादा बनती है, उन्हें इसका एरियर मिलेगा। ऐसे करीब 43,000 पेंशनर्स हैं। ग्रेच्युटी से 10 लाख की कैप हटने का लाभ न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को भी मिलेगा। NPS कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया, जिस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 80 वर्ष से ज्यादा आयु के पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी। 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण पर ही खत्म होगी। 300 पदों पर होगी भर्ती। कैबिनेट ने करीब 300 पदों पर भर्ती का फैसला लिया है। इनमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 82 पदों को सृजन करने और संबंधित पदों को भरने, अग्निशमन विभाग में 37 और स्वास्थ्य केंद्र में 20 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जल शक्ति और अन्य विभागों में कई पदों को भरने का फैसला भी लिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। कोरोना काल में पहली बार स्कूल पहुंचेंगे प्री प्राइमरी के बच्चे। कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए महामारी को नियंत्रण में मानकर 17 फरवरी से प्री प्राइमरी, नर्सरी, KG से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों को भी खोलने को मंजूरी दी गई है। मार्च 2020 के बाद नर्सरी, KG और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे पहली बार पहुंचेंगे। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाली पाठशालाओं में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल पहले से ही खुले हैं। अब शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल भी खुलेंगे। कैबिनेट बैठक में जिम और सिनेमा घरों को खोलने, सभी तरह के लंगरों को अनुमति दी गई है। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।